कुछ अनसुनी कुछ अनकही कहानियां। हर कहानी कुछ कहती है। आइए सुनते हैं आज की कहानी क्या कहती है। आज की कहानी है भक्ति का प्रताप। एक भील और भीलनी दोनों पति पत्नी थे। वे एक पहाड़ पर निवास करते थे। वे दोनों पति पत्नी शिव भक्त थे। वे शिव आराधना में लगे रहते थे। एक दिन वो भील अपनी पत्नी के लिए आहार खोजने को बहुत दूर जंगल में चला गया। इतने में संध्या के समय भगवान शंकर सन्यासी का रूप धरकर उस भील के घर उसकी परीक्षा लेने गए। इस बीच भील भी अपने घर आ गया। उसने बड़े प्रेम से उस सन्यासी का आदर सत्कार किया। सन्यासी ने कहा, भील आज रात मुझे यहाँ रहने के लिए स्थान दे दो, सवेरे होते ही चला जाऊंगा, तुम्हारा बहुत कल्याण होगा। भील बोला, स्वामी जी आप ठीक कहते हैं, पर मेरी बात सुनिए, मेरे घर में स्थान तो बहुत थोड़ा है, फिर उसमें आपका रहना कैसे हो सकता है। भील की बात सुनकर स्वामी जी वहां से जाने लगे। जब भीलनी ने कहा, प्राणनाथ आप स्वामी जी को स्थान दे दीजिए, घर आए हुए अतिथि को निराश न लौटाइए, अन्यथा हमारे गृहस्थ धर्म के पालन में बाधा पहुंचेगी। आप स्वामी जी के साथ घर के भीतर रहिए और मैं बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र लेकर बाहर खड़ी रहूंगी। पत्नी की ये बात सुनकर भील ने सोचा, पत्नी को बाहर निकालकर मैं घर में कैसे रह सकता हूँ, सन्यासी का दूसरी जगह जाना भी मेरे लिए अधर्म होगा, अतः मुझे ही घर से बाहर रहना चाहिए, जो होनहार होगी वो तो होकर ही रहेगी। ऐसा आग्रह करके उसने स्त्री और सन्यासी को तो सआनंद घर के भीतर ही रख दिया और स्वयं भील अपने आयुध पास रखकर घर के पास खड़ा हो गया। रात में जंगली हिंसक पशु उसे पीड़ा देने लगे। उनसे बचने के लिए यथाशक्ति उसने प्रयास भी किया, लेकिन उन हिंसक पशुओं द्वारा वो खा लिया गया। प्रातःकाल उठकर जब सन्यासी ने देखा कि वनवासी भील को पशुओं ने खा डाला है, तब उन्हें बड़ा दुख हुआ। सन्यासी को दुखी देखकर भील ने दुख से व्याकुल होने पर भी धैर्यपूर्वक दुख को दबाकर यूं बोली, स्वामी जी आप दुखी किस लिए हो रहे हैं, इस भील राज का तो इस समय कल्याण ही हुआ है, ये धन्य और कृतार्थ हो गए जो इन्हें ऐसी मृत्यु मिली, मैं चिता की आग में जलकर इनका अनुसरण करूंगी, आप प्रसन्नतापूर्वक मेरे लिए एक चिता तैयार कर दे, क्योंकि स्वामी का अनुसरण करना स्त्रियों के लिए सनातन धर्म है। उसकी बात सुनकर सन्यासी ने स्वयं चिता तैयार की। भीलनी ने अपने धर्म के अनुसार उसमें प्रवेश किया और उसी समय भगवान शंकर अपने साक्षात स्वरूप में उसके सामने प्रकट हो गए और उसकी प्रशंसा करते हुए बोले, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम इच्छा अनुसार वर मांगो। भगवान शंकर का ये परम आनंददायक वचन सुनकर भीलनी को बड़ा सुख मिला। वो ऐसी भाव विभोर हो गई कि उसे किसी भी बात की सुध नहीं रही। इस अवस्था को देखकर भगवान शंकर और भी बहुत प्रसन्न हुए और उसके न मांगने पर भी उसे वर देते हुए बोले कि तुम दोनों का कल्याण हो और तुम दोनों का फिर से वापस परस्पर मिलन हो और तुम राजभोग का सुख पाओ, इसके बाद वो मोक्ष पाओ जो बड़े बड़े योगेश्वरों के लिए भी दुर्लभ हो। वाह रे कंजूस। बलू शाह गुजरात का रहने वाला था और बड़ा ही कंजूस मक्खी चूस था। पैसा खर्च करने में उसकी नानी मरती थी, दूसरों की कौन कहे, उसे तो अपने आप पर भी पैसा खर्च करना पसंद न था। एक दिन की बात है, उसने एक ऊंचे खजूर के पेड़ पर बढ़िया पके खजूर लगे देखे। बलू शाह का जी ललचा गया, मगर उस ऊंचाई पर से खजूर तोड़े तो कैसे, किसी दूसरे से कहा जाए तो वो पेड़ पर चढ़ने की मजदूरी मांग बैठेगा और इतने छोटे काम की मजदूरी देना बल्लू शाह को गवारा न था। अंत में उसने खुद ही पेड़ पर चढ़ने की सोची। इसके पहले बल्लू शाह कभी किसी खजूर पर नहीं चढ़ा था, मगर जैसे तैसे कोशिश करके सिर पर पहुंच ही गया। वो खजूर तोड़ने ही वाला था कि अचानक उसकी निगाह नीचे की ओर जा पड़ी। उसने देखा कि जमीन तो पाताल में नजर आ रही है और वो खुद
अधर में लटका हुआ है। डर के मारे बलू शाह के हाथ पैर फूल गए। उस ऊंचाई तक पहुंचने में उसका दम पहले ही खुश्क हो रहा था। अब जो इस मुसीबत पर ध्यान गया तो हाथ की पकड़ भी ढीली होने लगी। उसे लगा कि मैं अब गिरा तब गिरा और गिरा तो फौरन पड़ा। उसने इधर उधर देखा पर आसपास कोई न था। अब भगवान के सिवा उसका कोई न रहा। अगर भगवान उसे बचा ले तो वो सब कुछ करने को तैयार था। उसने मन ही मन प्रण किया कि सही सलामत नीचे उतर गया तो 1000 ब्राह्मणों को भोजन खिलाऊंगा। इस प्रण के बाद उसकी हिम्मत कुछ बढ़ गई। वो थोड़ा नीचे सरक आया। नीचे सरकते ही उसे लगा कि इतनी सी बात के लिए 1000 ब्राह्मणों को खाना खिलाना कुछ ज्यादा ही है। अगर सिर्फ 500 को खिलाया जाए तब भी भगवान संतुष्ट हो सकते हैं। इतनी बड़ी संख्या को एक साथ खिलाने में जो परेशानी होगी उसे भगवान अच्छी तरह समझ सकते हैं। उसने थोड़ा और नीचे आने पर मन ही मन कहा, सही तो यह होगा कि 500 के बदले सिर्फ 200 को खिलाया जाए। इस तरह वो ज्यों ज्यों नीचे सरकता गया त्यों त्यों ब्राह्मणों की संख्या भी घटाता गया। अंत में जब वो जमीन पर उतर आया तो उसने एक बार फिर बड़ी ही गंभीरता से प्रण किया कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए केवल 1 ब्राह्मण को खाना खिलाया जाएगा। बलू शाह घर को रवाना हुआ। रास्ते में वो ये हिसाब लगाने लगा कि 1 ब्राह्मण को खिलाने में कितना खर्च होगा। उसे लगा कि 1 ब्राह्मण को खिलाने में भी कम खर्च नहीं होने का, किसी तरह इस खर्च को भी घटाना चाहिए। मगर घटाया जाए तो कैसे? सबसे अच्छा तरीका यह है कि किसी ऐसे ब्राह्मण को बुलाया जाए जो कम खाता हो। लेकिन ऐसा ब्राह्मण खोजे बिना नहीं मिल सकता था। कम खाने वाले ब्राह्मण की खोज में बल्लू शाह ने गांव वालों से पूछताछ करनी शुरू की। काफी दौड़ धूप के बाद उसे पता चला कि जानकी दास नाम का एक ब्राह्मण बहुत कम खाता है। परंतु जानकी दास बड़ा चतुर और घाघ था। उसने बल्लू शाह के बारे में सब कुछ सुन रखा था। जब बल्लू शाह ने उसे खाने का निमंत्रण दिया तो वो फौरन राजी हो गया। घर जाकर बल्लू शाह ने अपनी बीवी को अपने प्रण की बात बताई। साथ ही ये भी बताया कि उसने एक ब्राह्मण को खाने का निमंत्रण भी दे दिया है। वो ब्राह्मण दूसरे ही दिन खाने पर आने वाला है। श्यामली, उसने अपनी बीवी से कहा, भगवान को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मण को खिलाना ही पड़ेगा। खिलाने पिलाने का सारा इंतजाम तुम्हारे जिम्मे है, पर इस बात का पूरा ध्यान रखना कि खर्च कम से कम हो। अगले दिन पैठ का दिन था। ब्राह्मण को खिलाने में जो घाटा होने वाला था उसे पूरा करने की गरज से बल्लू शाह ने पैठ में जाकर कुछ मुनाफा कमाने का इरादा कर रखा था। इसलिए उसने पाहुने को खिलाने की पूरी जिम्मेदारी अपनी बीवी पर छोड़ दी। वैसे तो मुझे खुद अपने पाहुने की सेवा करनी थी, उसने अपनी बीवी से कहा, मगर मुझे कुछ बहुत जरूरी काम करने हैं, इसलिए तुम ही को सब कुछ करना पड़ेगा। उस दिन जानकी दास ने सवेरे सवेरे बल्लू शाह को पैंट की ओर जाते देखा। मौका देखकर वो उसी दम बल्लू शाह के घर जा धमका। असल में वो ये देखना चाहता था कि उसकी दावत का इंतजाम किस तरह हो रहा है। श्यामली ने अपने मेहमान को इतने सवेरे आया देखा तो उलझन में फंस गई। उसने जानकी दास को प्रणाम किया और एक अच्छे जगह पर आसन देकर बिठाया। मैं जरा मंदिर में दर्शन करने जा रहा था, जानकी दास ने कहा, रास्ते में मैंने बल्लू शाह को देखा, वो कुछ जल्दी में था। मैंने सोचा कि तुम्हें शायद कुछ मदद की या सलाह की जरूरत हो, सो मैं हाजिर हो गया। आपकी बड़ी कृपा है, श्यामली ने कहा, आपके भोजन की सारी तैयारी विधि नियम से हो ही रही है। यदि आपको और कोई आपकी आज्ञा हो तो मुझसे कहें, मैं उसी के मुताबिक काम करूंगी। ये तो मामूली बात है, जानकी दास ने कहा, लेकिन एक जरूरी बात ध्यान में रखनी ही होगी। प्रण तो केवल 1 ब्राह्मण को खिलाने का है, परंतु तुम्हें 10-12 आदमियों की आवश्यकता के बराबर भोजन तैयार करना होगा। मुझे यकीन है कि जो कुछ पकाया जाना है वो तुम्हें मालूम ही होगा। श्यामली ने दोपहर होने तक भोजन पकाकर तैयार कर लिया। थोड़ी देर में ब्राह्मण देवता भी आ गए। खाना तो तैयार हो ही गया होगा, उन्होंने कहा, सबसे पहले हम पारिवारिक देवताओं को संतुष्ट करेंगे। श्यामली ने एक दिया जलाया
और फिर सारा भोजन उनके सामने परोस दिया। तब जानकी दास ने कहा, तुम बड़ी स्यानी औरत जान पड़ती हो, लेकिन भोजन परोसने का ढंग बिल्कुल सही और शास्त्र के अनुसार है, लेकिन भेंट की सामग्री में सोने की दो मोहरें भी होनी चाहिए थी। अब तुम देख लो, मोहरों का होना तो बहुत जरूरी है। श्यामली को याद आया कि मोहरों के बारे में उसके पति ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन यदि ये जरूरी रिवाज है तो मोहरें भी रखनी ही पड़ेंगी। अब इस पावन अवसर पर तर्क वितर्क भी तो नहीं किया जा सकता। फिर जानकी दास जीवने बैठ गया। उसने खूब डटकर भोजन किया। जब उसका पेट भर गया तो उसने अपनी चादर फैलाई और बचा हुआ सारा भोजन बांधकर एक भारी भरकम गठरी बना ली। ये सब वो अपने परिवार वालों के लिए ले जा रहा था। देवताओं की भेंट के लिए दी हुई सोने की मोहरें उसने अपने टेंट में खोसी और कहा, भोजन बहुत अच्छा था। ब्राह्मणों संतुष्ट हुआ, भगवान तुमसे और बल्लू शाह से अवश्य प्रसन्न होंगे। अब सिर्फ एक आचार और बाकी रह गया है और वो है दक्षिणा। श्यामली कुछ नहीं समझी। तब जानकी दास ने समझाते हुए कहा, जब किसी ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है तो वो तब तक पूरा नहीं माना जाता जब तक कि तुम कम से कम दो सोने की मोहरें दक्षिणा में न दो। ये तो जग जाने रीति है। तुम जैसी योग्य गृहिणी को तो इसका पता होना ही चाहिए। बेचारी श्यामली मन ही मन डर रही थी कि बल्लू शाह इस तरह दक्षिणा देना कतई पसंद नहीं करेगा, लेकिन अगर ये जग जानी रीति है तो दिए बिना कोई चारा भी नहीं। उसने जानकी दास को दो मोहरे और दे दी। पूरी तरह संतुष्ट होकर जानकी दास घर को लौट गया। घर आकर उसने अपनी बीवी से कहा कि कुछ ही देर में बल्लू शाह हमारे घर आएगा। उस समय वो बहुत गुस्से में होगा। उसके आने पर तुम्हें जो कुछ करना होगा उसे गौर से सुन लो। ऐसा कहकर जानकी दास ने अपनी बीवी को कुछ बातें समझाई। इसके बाद वो अपने कमरे में जाकर सो गया। उसका पेट इतना भरा था कि मारे आलस्य के थोड़ी ही देर में खर्राटे भरने लगा। उधर बल्लू शाह घर पहुंचा तो अंधेरा हो चला था। श्यामली ने उसे ब्राह्मण के खाने और दक्षिणा ले जाने की बात कह सुनाई। बल्लू शाह ने ब्राह्मण की कारस्तानी सुनी तो मारे गुस्से से आग बबूल हो गया। वो एक डंडा उठाकर उसी दम जानकी दास के घर की ओर दौड़ा। ब्राह्मण की बीवी ने बल्लू शाह को डंडा लेकर आते देखा तो वो छाती पीटती हुई दहाड़े मारकर रोने लगी। अरे दुष्ट, उसने चीख चीख कर कहा, तूने मेरे पति का क्या हाल बना दिया। तूने उन्हें जहर खिला दिया है। तूने तेरे ही घर का खाना खाकर उनके यह हाल हुए। अगर मेरे पति मर गए तो तू भी बच के नहीं जाएगा। पुलिस आएगी और तुझे पकड़कर फांसी चढ़ा देगी। हे भगवान, अगर मेरे पति मर गए तो मेरे बच्चों का क्या होगा? जरा धीरे बोलो, बल्लू शाह ने गिड़गिड़ा कर कहा, कहीं लोग सुन न ले। तुम डॉक्टर क्यों नहीं बुला लेती? डॉक्टर? ब्राह्मण की बीवी ने गला फाड़ कर पूछा। उसकी फीस का क्या होगा? हमारे पास डॉक्टर को देने के लिए पैसा है भी। फौरन 10 सोने की मोहरे दो, मैं अभी डॉक्टर को बुलवाती हूँ। अगर उनका इलाज करने के लिए डॉक्टर नहीं मिला तो तुझे फांसी होगी, जरूर होगी। तुम मुझे जरा घर जाने का समय तो दो, बल्लू कंजूस ने वैसे ही गिड़गिड़ाकर कहा। भगवान की खातिर थोड़ा सा समय दे दो। तुम मेरे साथ किसी को भेज देना, मैं उसी के हाथ 10 मोहरे भिजवा दूंगा, सोने की मोहरे। तुम शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाना, सबसे अच्छे डॉक्टर से। तब बल्लू शाह जानकी दास के लड़के को लेकर जितनी तेजी से हो सकता था घर की ओर भागा। उसे देखते ही उसकी बीवी ने पूछा, इतनी हड़बड़ी में क्यों हो, क्या हुआ? अरे भगवान, बल्लू शाह ने कहा, सत्यानाश हो गया। तूने जानकी दास को जहर खिला दिया और फांसी मुझे होने वाली है। बल्लू शाह ने चटपट अपनी तिजोरी खोली, 10 सोने की मोहरे निकाली और जानकी दास के लड़के को देकर बोला, ये मोहरे लेकर भागो और अपनी अम्मा से कहना कि वे जल्दी से जल्दी और अच्छे से अच्छा डॉक्टर बुलाएं। लड़का मोहरे लेकर चल दिया। उसके जाते ही बल्लू शाह को फिर भगवान की याद आई। हे भगवान, उसने कहा, फांसी के फंदे से बचा ले तो 1001 ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा, पूरे 1001 को, बस अब के बचा लो।
उधर जानकी दास ने उससे अकेले 1000 ब्राह्मणों के भोजन का पैसा ऐंठ लिया था। सुनते रहो दिल से यूं ही कहानियां आपकी, हमारी और सबकी, जो दिलों को छू लेती है। सुनते रहें कहानियां।